हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। माय ब्यूटीफुल पीपल, नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लिटरली बहुत बड़ा रोल। और आज वही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि आपके उस स्पेसिफिक लाइफ पाथ नंबर की वजह से या उस स्पेसिफिक डेस्टिनी नंबर की वजह से आगे आने वाला कल आपका कैसा है, आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी कैसी है और आगे आने वाला मोड़ किस तरीके का रहेगा। माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आप सभी से रेजोनेट होगी। चाहे आप जिस भी जाति के हैं, जिस भी वर्ग के हैं या जिस भी उम्र के हैं, आज हम देखेंगे आपके आगे आने वाली ज़िंदगी, आपके आगे आने वाला कल कैसा है आपके उस स्पेसिफिक डेस्टिनी नंबर से। आई होप आपको अभी थोड़ा सा समझ आने वाला है। आज मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊंगी कि आपका डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड, आज मैं आप लोगों को आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से बताने वाली हूँ कि आपका आगे आने वाला जीवन किस तरीके का होगा, किस प्रकार का होगा। आइए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग। आज हम बात कर रहे हैं आपके आगे आने वाले कल की। चाहे आपकी उम्र जितनी भी है, आज आपको पता लगेगा कि आपका आगे आने वाला कल कैसा है, ठीक है? आपकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान कैसी है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपना जो डेस्टिनी नंबर है, इसे हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, यानी कि भाग्यांक, इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। मैंने बहुत बार वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लोग गलतियां कर ही देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं आप लोगों को उसकी डेट ऑफ बर्थ से बताती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2002, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इन सारी डेट्स में से नंबर को ले लेना है, ठीक है? 3 1 2 2, ठीक है? और इन सब को आपने क्या कर देना है, प्लस। तो आपके पास जो नंबर आएगा ये होगा आपका भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये एक एग्जांपल था। आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे एक काबिल दोस्त की डेट ऑफ बर्थ है, 27 7 1996, ठीक है? 27/7/1996, यानी कि 27th of July 1996। अब आपने क्या करना है, इनके नंबर्स लेने हैं, 2 7 7 1 9 9 6, हम इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38, यानी कि अब अगर ऐसे आपकी डिजिट आ जाती है तो इसे आपको लेकर आना है एक नंबर के ऊपर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 3 + 8 कर देंगे, तो 8 9 10 11, फिर से क्या आया आपका, 11। अब इसको दोबारा से हम एक ही डिजिट पर लेकर आना है, यानी कि 1 + 1 = 2। तो इनका जो डेस्टिनी नंबर है या जो इनका भाग्यांक है वो क्या है, 2। आई होप मुझसे कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हुई है। तो इनका आ रहा है 2। अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ, जब भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपका डिजिट आ रहा है, ये मैंने किसी का किया था, निकाला था, उनका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका आ रहा है 54,
ठीक है, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. जब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया, तो 54 अगर आया तो आपको इस डिजिट को एक सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो 5 + 4 कर देंगे. तो आपका क्या आ गया? 9 आ गया. ठीक है, अगर ये वाली संख्या भी आपकी 2 आ रही है, तो अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि हमें उसको एक डिजिट पर लेकर आना है, वो आपका भाग्यांक होगा. आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ. अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको बताती हूँ. मेरे पास पेपर ख़त्म हो गया है, इस पर बताती हूँ. ये मैंने किसी का किया हुआ था, चलो यहाँ बताती हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर की डेट ऑफ बर्थ से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेरे फादर की ले लेते हैं, चलो उनकी है 4 February 1970, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है. तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 + 1 + 9 + 7, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. अब इनका क्या आया, 23. तो 23 को फिर से हम लोग प्लस कर देंगे, 2 + 3 = 5. ठीक है, इनका भाग्यांक क्या आया, 5. आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आप लोग अब समझ गए हैं. तो जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए, या फिर अगर आप मेरी तरह जीनियस नहीं है मैथ्स में, तो आप पेन पेपर ले लीजिए. और अगर आप बहुत ज़्यादा जीनियस है मैथ्स में, तो फिर आप अपने हाथों पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं तो सच्ची बताऊँ, मुझसे तो नहीं होता हाथों पे. मैं इतनी जीनियस नहीं हूँ मैथ्स में. तो इस तरीके से आपने अपना भाग्यांक जो है वो निकाल लेना है. और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपकी रीडिंग में. अब आपने क्या करना है, आपका जो भी भाग्यांक आया है वो वाली पाइल आपने उठा लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाग्यांक आया 9, तो आपने 9 देखना है कहाँ पर है, पाइल नंबर 1 में है. पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 1359, और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 24678. आई होप आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं. तो आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को. और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है पाइल सिलेक्शन में, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. पाइल नंबर 1 में हमारे पास डेस्टिनी नंबर 1359, और पाइल नंबर 2 में हमारे पास डेस्टिनी नंबर 24678. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को. आज हम लोग देख रहे हैं आपके आगे आने वाले भविष्य के बारे में, आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके की होगी. और द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए उस इंसान से जो इसको डिज़र्व करता है. और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी आज की रीडिंग. आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं. आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है 13579 को. आप लोगों का जो डेस्टिनी नंबर है, जो भाग्यांक है, वो इनमें से कोई एक हो सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और देखते हैं कि अगर आप लोगों का भाग्यांक 1, 3, 5 या 9 है, या अगर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनका डेस्टिनी नंबर 1359 है, तो आपकी ये जो रीडिंग है आपको कहाँ लेकर जाती है और आपकी लाइफ के बारे में क्या बताती है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1, 3, 5, 9 वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं. मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए. शफल करते करते बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को शॉर्ट क्विक पॉजिटिव रीडिंग देखने को मिल जाए. तो 1, 3, 5, 9 वाले लोग किस तरीके के होते हैं. सबसे पहली बात, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी होती है. दे एक्चुअली नो, मैंने इन 4 नंबर्स को इसलिए एक साथ डाला है क्योंकि इनकी जो खूबियाँ हैं वो कुछ कुछ सेम सेम है. ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी बताऊंगी और एक एक तरीके से भी बताऊंगी, मतलब एक साथ भी बताऊंगी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नंबर की बता रही हूँ,
तो अगर आप लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 है तो गाइज एक चीज़ बहुत श्योर है दैट यू गाइज आर वेरी मच पॉजिटिवली इंटरेस्टेड इन लीडरशिप की क्वालिटीज़। आप हमेशा लोगों को लीड करना पसंद करते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग राजा वाले गुण होते हैं और आप हमेशा लोगों के प्रस्पेक्टिव से नहीं अपने प्रस्पेक्टिव से चलते हैं। आपका अपना खुद का एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको पता है कि उसे क्या करने की ज़रूरत है। आपको कोई बेफालतू की ना बेफिजूल की सीख दे के पागल नहीं बना सकता। यू गाइज आर वेरी क्लेवर बाय योर एनर्जीज। आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं। आप लोगों को पता होता है कि क्या आपके लिए एकदम सही है और क्या आपके लिए एकदम ख़राब है। आप चीज़ों को बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ने वाली एनर्जी में देखते हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं होता। अब अगर और डेक निकाल लेती हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब अगर आप लोगों का मूलांक है 3, ठीक है, 1 वालों का मैंने बता दिया। अगर आप लोगों का मूलांक है 3 तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बोली जाती है 3 नंबर वालों के लिए कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिव पर्सन हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके बात करने का तरीका लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप सोशल बटरफ्लाई भी साबित हो सकते हैं। आपको लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा। और मुझे डेक कौन सा लेना है, ये वाला। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। और अगर आप लोगों का 3 नंबर है और फिर भी अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव डिलेमा या मैं कहूँ एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ 3 भाग्यांक के लोग, आपको बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना चाहिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब अगर आप 5 नंबर के व्यक्ति हैं तो एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर और वो ये है कि आप कमरों में कैद होना पसंद नहीं करते। आप किसी की भी शर्तों से जीना पसंद नहीं करते। आप किसी भी तरीके की केज वाली लाइफ में रहना पसंद नहीं करते। आपके मन में एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी होती है और वो होती है खुले आसमान में जीना। यू गाइज आर फ्रीडम लवर। आप भी किसी भी तरीके की पाबंदियाँ और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों से नहीं संभली जाती। आप एक बहुत ही सही दिमाग के इंसान हैं। आप हमेशा वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना पसंद करते हैं जहाँ पर आपका किसी तरीके का लाभ हो रहा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर वालों के लिए। 9 नंबर के लोग, द ब्यूटिफुल 9 नंबर पीपल, द वेरी वेरी ओल्ड सोल। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप एक बहुत पुरानी सोल हैं। 9 नंबर आप लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं। 9 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बार ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ डेजा वू हुआ है। आप लोगों को नहीं पता डेजा वू क्या है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो डेजा वू होता है आप लोगों को, आपको हमेशा एक अलग ही तरीके की पावर सेंस होगी और 9 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं उनको एक अलग ही तरीके की गर्मी लगती रहती है, मतलब तगड़ी वाली गर्मी जैसे हम बोलते हैं ना, हमेशा उन लोगों को गर्मी लगती रहती है। ओके तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों का भाग्यांक 1359 है तो आगे आने वाला कल आपका कैसा होने वाला है। द फूल, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स, द एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। आई होप सो। आप लोगों की लाइफ स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई होप यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस। आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे इस चीज़ को जानने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ यहाँ पर वो है कि सेंस ऑफ इमेच्योरिटी, ठीक है। आगे आने वाला आपका कल आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल
और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी कम नॉलेज या अपने इमेच्योर बिहेवियर या अपने इरेगुलर पैटर्न या आपका स्केड्यूल सही न होने की वजह से गंवा सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव चीज़ ही बता रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे। जैसे कि आए दिन हम लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती रहती हैं जो हमें लगता है अरे यार फालतू के किसी की क्या जिम्मेदारी लेना, और जब हम वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो चीज़ किसी और के पास चली जाती है तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलता है और फिर हम सोचते हैं कि अरे यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तो पाइल नंबर वन पीपल, एक बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर कि अगर किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसके ऊपर सोच समझ के फैसला लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक स्ट्रांग सही डिसीजन को खो दें या एक स्ट्रांग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को आप टाटा बाय बाय बोल दें, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे आने वाला आपका कल कैसा है? आगे आने वाला आपका कल बहुत मेहनती होने वाला है। पाइल नंबर वन पीपल, मेहनती किस स्टेट ऑफ एनर्जी में, चाहे फिर मैं प्यार की बात करूं, चाहे फिर मैं करियर की बात करूं, चाहे मैं शादी की ही क्यों ना बात करूं, हेल्थ को छोड़ के बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के उन सब में आपका मुझे परिश्रम नज़र आ रहा है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक स्ट्रांग परिश्रम करने वाले हैं आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और द ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है, ये मेहनत फालतू में या बेफिजूल नहीं जाने वाली है क्योंकि ये मेहनत आपको अनलॉक करने वाली है टूवर्ड्स द बिगेस्ट पोर्टल्स। बिगेस्ट पोर्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप इतनी मेहनत करेंगे जितनी आप लोगों के लिए दिखा रखी हैं, तो चाहे फिर वो हेल्थ हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो शादी हो, चाहे फिर वो करियर हो, आप हर जगह छाए रहेंगे, हर जगह आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, हर जगह आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अभी आने वाला जो समय है ना पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों के लिए, वो ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आपके पास काम बहुत आएगा लेकिन आप अपनी जो कहते हैं ना कि अरे यार लेजीनेस है मुझे नहीं करना, या लोगों को ठीक तरीके से जवाब नहीं देना, या फिर अपनी बेफिजूल की हरकतों की वजह से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ठुकरा सकते हैं या बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर जाने देंगे, लेकिन अगर मेहनत कर गए तो आप हर फील्ड में हैप्पीनेस देख पाएंगे, ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस। ये स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है आपका खुद का, पाइल नंबर वन पीपल, आपका खुद का एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रांग डिलेमा आप लोग देखने वाले हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ उस हिसाब से जा रही है जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जाने देना चाहते थे, ठीक है। स्ट्रांग सेंस ऑफ ट्रैवल एंड स्ट्रांग सेंस ऑफ पैशनेट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि या तो आप अपने किसी लव पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ या अपनी किसी फैमिली के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप या किसी लॉन्ग ट्रैवल पे जाने वाले हैं, और ये ट्रैवल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पैशनेट होगा जहाँ पर जा करके आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलने वाला है। आपके आगे की आने वाली लाइफ कैसी है? आगे आने वाली लाइफ बहुत सारी उपलब्ध प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे स्ट्रगल से सराबोर होगी, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रगल प्यार का भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है, ठीक है, और अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल ज़्यादा है पाइल नंबर वन पीपल। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को साबित करेंगे, समझ रहे हैं, जैसे ही आप अपने आप को साबित करेंगे आप देखेंगे कि आप एक ऐसी एनर्जी के अंदर आ गए हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता। ओके, आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड है द इनोसेंस, फिर आप लोगों के लिए कार्ड है द ड्रीम, फिर आप लोगों के लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव द सोर्स का कार्ड। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है वो है द ब्यूटिफुल ड्रीम मैसेज, ठीक है। हर किसी का अपना एक सपना होता है, किसी को बड़ा आदमी बनना है तो किसी को बहुत खूबसूरत बनना है, किसी को फिट बनना है तो किसी को हेल्दी होना है। आपका अपने आप से जुड़ा हुआ सपना मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आपका अपने आप से जुड़ा हुआ जो सपना है, किसी और से जुड़ा हुआ नहीं, ये आप से जुड़ा हुआ सपना है, वो डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। आगे आने वाला आपका फ्यूचर आपको ये एनर्जी स्ट्रांगली देता है कि जो आपका एक स्ट्रांग सपना है, ड्रीम है, वो डेफिनेटली पूरा होगा।
क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि आप कितने इनोसेंट हैं, भगवान को पता है कि आपने उस ड्रीम के लिए कितनी मेहनत करी है, ठीक है? आगे आने वाला समय आपको बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलेगा। पाइल नंबर वन पीपल स्ट्रांगली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलेगा, और आप इस चीज़ को समझ के, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, आप उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ने की एनर्जी में भी रहने वाले हैं। पाइल नंबर वन पीपल, द पीपल हु चूज पाइल नंबर वन, ठीक है? गरम लगाए मुझे। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ, कार्ड नंबर 38 एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और फिर अपने पास है यहाँ पे कार्ड नंबर 42 स्मोक एंड द मिरर। अब देखो दोनों बातें हैं यहाँ पे आपके पास, जैसा कि मैं बोल रही थी आपको कि आगे आने वाला समय आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं घर बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत सारे लोग घर बनाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी सामाजिक और मेटरलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, मेटरलिस्टिक सामाजिक कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों को लेने के लिए। वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड, कि वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में आने को है, और वो चीज़ आपको एक स्ट्रांग सेंस ऑफ पॉजिटिविटी देने वाली है। मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रांग सेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। लेकिन वही अगेन सेम चीज़ बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं नहीं, कि अपनी फालतू की बेफिजूल सोच, जो ख़राब सोच होती है आपकी, उसकी वजह से या फिर अपने लेजीनेस की वजह से उस चीज़ को गवा मत देना। तो आगे आने वाला टाइम आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी क्लैरिटी देने वाला होगा। यहाँ पर आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा लकी हैं। पाइल नंबर वन पीपल, आगे आने वाली लाइफ लग्जरी से भरी हुई होगी, बहुत सारी मेहनत लेकिन बहुत सारी लग्जरी। वो होता है ना जैसे कि एक घर के अंदर कोई एक या दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो हद ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर उनके जो परिवार वाले हैं वो उस मेहनत का इंजॉय लेते हैं, इंजॉयमेंट लेते हैं उस मेहनत का। तो वो मेहनत मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है आप लोगों के लिए, मैंने निकालने थे वार्निंग कार्ड्स, और वार्निंग कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम बहुत सारी मन्नत मांगते हैं, ठीक है, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर अपनी विश को पाने के लिए कोई मन्नत वगैरह बोली है, या कुछ भगवान को बोला है कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, या मैं इतने लोगों को कंबल बांटूंगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी अगर बोला है, तो उस चीज़ को पूरी ज़रूर कर देना। ये आप लोगों के लिए वार्निंग है, वार्निंग साइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिवाइन आपको क्या मैसेज देती है। ये डिब्बा मुझसे खुलता नहीं है फाइनली। ओके, द पिग स्पिरिट एंड द टर्टल स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइसली, अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करें, एंड धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जीतेंगे जरूर, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आप लोगों को मैसेजेस हैं, ठीक है। अपने दिमाग की बात को सुने, धीरे धीरे चलें आगे, आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। चीज़ों को देखें सही तरीके से, उनके ऊपर रिएक्ट करें, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अपनी लाइफ में आइडियाज़ को लेकर आइए, जितना हो सके उतना आइडियाज़ को लेकर आइए। आइडियाज़ आएंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेट होकर चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। ओके, तो आप लोगों का आगे आने वाला कल लग्जरी से भरा होगा, अपॉर्चुनिटी से भरा होगा, स्ट्रगल से भरा होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप जीत जाएंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे आलसी बहुत नज़र आ रहे हैं, या फिर जिनको पता है कि हमें हमारे स्केड्यूल के अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, स्टिल वो उसी एनर्जी के अंदर हैं, वो चेंज नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, और एक स्ट्रांग पोजिशन ऑफ एनर्जी एंड पावर मुझे नज़र आता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने हिसाब से चल करके अच्छी एनर्जी में रहेंगे, कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों की जीत होगी इन एनी हाउ। ओके,
ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेस है, और ये आप लोगों के लिए आपके जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से एडवाइजेस है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या एडवाइस आती है, वो भी अपन एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइसेस है कि अपने आप को फ्री रखें हर नेगेटिव चीज़ से, और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को होता हुआ देखें। आप लोगों की लाइफ में आगे आने वाला कल स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, इस चीज़ को समझ जाएं। ओके, एंड प्लीज़ प्लान योर एनर्जीज, प्लानिंग्स के ऊपर थोड़ा खासा ख्याल रखें और आगे बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर वन पीपल की रीडिंग। अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर वन को, या मैं कहूँ कि अगर आप लोगों की डेस्टिनी नंबर थी 1, 3, 5 या 9 में से कोई एक, या अगर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका इनमें से कोई डेस्टिनी नंबर था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और कितनी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सही, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड से थोड़ा सा बच के रहिएगा गाइस, ठीक है। लव यू ऑल, आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार और ढेर सारी वाली खुशी की एनर्जीज। हैप्पी हैप्पी लाइफ टू यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर टू को, इसका मतलब आप लोगों का डेस्टिनी नंबर है 2, 4, 6, 7 या 8 में से कोई एक। अब बात करते हैं आप लोगों के डेस्टिनी नंबर की, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती चली जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था, अब जिन लोगों ने इंट्रो सुना है तो उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनको नहीं पता होगा। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो पार्ट देखा है तो ही आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना करें। बाकी आज के रीडिंग का जो पार्ट है वो आप लोगों को बताएगा आपकी लाइफ के बारे में स्टोरी, आगे आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये आपका नियर फ्यूचर भी हो सकता है या फिर आपका टोटल फ्यूचर भी हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। 2, 4, 6, 7, 8 आप लोगों का डेस्टिनी नंबर इनमें से कोई एक होगा। तो मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ कार्ड्स की, क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए जानते हैं। तो अगर आप लोगों का डेस्टिनी नंबर 2 है तो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली निश्चित है, और वो ये है कि आप एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। एक ऐसे स्ट्रांग इमोशनल पर्सन जिसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, डेफिनेटली यस। आप स्मार्ट होने के साथ साथ इमोशंस में बह के अपनी बहुत सारी चीज़ों को खो देने की एनर्जी रखते हैं। इस चीज़ के लिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए पाइल नंबर वन पीपल। आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कोई भी मुझे इमोशनल करके मूर्ख बनाने की एनर्जी में रहता है, तो मैं थोड़ा सा चेंज हों, या मैं थोड़ी सी चेंज एनर्जी के अंदर जाऊं, ठीक है। आप बहुत सेंसिबल होते हैं, 2 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। इनके मन में, जितने भी 2 नंबर वाले होते हैं ना, इनके मन में ना स्ट्रॉन्ग टॉलरेंस होती है, स्ट्रॉन्ग टॉलरेंस पावर, बहुत पेशेंस होता है, स्ट्रॉन्ग टॉलरेंस होती है, ठीक है। इनके मन में लोगों के प्रति किसी तरीके का नेगेटिव डिलेमा नहीं होता, इनके मन में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं होता, जो मन में है वो कह देते हैं। हाँ, बहुत बार ये ज़रूर सोचते हैं कि भाई सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी करते हैं कि अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा ज़रूर दें। अगर मैं बात करूं 4 नंबर वालों की, बहुत ही डिसिप्लिन वाले लोग, पाइल नंबर 4 पीपल। और अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो मैं सच बताऊं, आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ख़राब है। आप अपनी ज़िंदगी को ना समहाउ बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं फिर तो, ठीक है। 4 नंबर वाले बहुत ही स्ट्रांग मेहनत करने वाले, हमेशा लोगों की ना सुनकर अपने दिल की चलाने वाले, ठीक है। दृढ़ निश्चयी होते हैं, पैशनेट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर बहुत स्ट्रांग, इन्हें कोई बहुत इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
कभी भी। छह नंबर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर पीपल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर पीपल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब कई बार ऐसा भी होता है छह नंबर वालों के साथ कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो खुद भी तो कुछ है कि नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को भूल जाते हैं अगर आप छह नंबर वाले हैं तो। आप लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, आपके लुक्स के कायल होती है दुनिया, आप इनर और आउटर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटी के मालिक होते हैं। मोर ओवर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करना बहुत पसंद होता है, क्रिएटिव माइंडसेट वाले होते हैं छह नंबर वाले। ठीक है, अब हम बात करें सात नंबर वालों की। नॉलेजेबल, डीप थिंकर, ओवरथिंकिंग भी करते हैं बहुत बार, इनको सब पता होता है कौन कैसा नहीं है, किस में कितनी नॉलेज है किस में कितनी नॉलेज नहीं है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर और वो ये है कि आप में से जितने भी लोग हैं ना जिनका भी सात नंबर है, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है इन लोगों के अंदर और वो कॉमन चीज़ होती है कि ये तब ही कोई भी काम करना पसंद करते हैं जब इनका खुद का कोई प्रॉफिट होता है। कोई गलती वाली बात नहीं है, ये सही है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की एनर्जी में रहते हैं लेकिन मेटरलिस्टिक गेन्स की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस होते हैं पाइल नंबर टू पीपल में जो सात नंबर वाले हैं। अब अगर मैं आठ नंबर वालों की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, इनके अंदर सेंस ऑफ पावर जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये हमेशा हर चीज़ को समेट के स्ट्रांगनेस के साथ रखना पसंद करते हैं। इनको ना अपनी चीज़ों को साथ सवार के रखना बड़ा पसंद है, जितने भी आठ नंबर वाले होते हैं साथ सवार के रखना पसंद है, इधर उधर फैला के चीज़ों को फेंकना करना इन लोगों को नहीं पसंद होता। और अगर आप लोग आठ नंबर वाले हैं और आप ऐसा ही करते हैं लाइक चीज़ों को इधर उधर बिखेर देते हैं फैला देते हैं, आप इम्बैलेंस है, इस चीज़ को सुधार लें। जो जो क्वालिटीज़ मैंने आप सब में बताई है अगर वो क्वालिटीज़ एग्जैक्टली वैसे के वैसे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे है या विपरीत है तो उस चीज़ को सुधार लें क्योंकि वो आपका कर्मा पार्ट नेगेटिवली क्रिएट कर देगा अदरवाइज। ठीक है, आपके जो पावर है ना प्लेनेटरी पावर्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो आठ नंबर वाले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, समझदार होते हैं, इनके मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सेंस वाली एनर्जी होती है, हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखना इनको पसंद होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों के आगे आने वाले भविष्य या आगे आने वाले कल के बारे में। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर टू को पिक किया है कि आगे आने वाला समय आपको अपनी सक्सेस को थोड़ा सा अपने तक सीमित रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर टू पीपल, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्ट्रांग सेंस ऑफ नेगेटिव जेलस एनर्जी। कोई तो है यहाँ पर पाइल नंबर टू पीपल जो आपसे जलता है। ठीक है, जिसके मन में आपके प्रति जेलेसी की एनर्जी है बहुत 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 ज़्यादा, और ये जेलेसी वाली जो एनर्जी है आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आ सकती है। वो किसी तरीके का स्पेल कास्टिंग या कुछ नेगेटिव आपके प्रति कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी गंदी नज़र लगा सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव डिलेमा में चले जाएं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी सक्सेस को अपने अचीवमेंट्स को सिर्फ अपने तक रखें, फालतू का शो ऑफ ना करें, आपकी लाइफ खराब हो सकती है अदरवाइज। आगे आने वाला समय आपको बहुत सारा स्ट्रगल लेकर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ करियर का होने वाला है क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वांड्स, अगेन सेवन सेवन नंबर यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 777 बहुत दिख रहा है। गाइज, मनी के अंदर करियर के अंदर एक स्ट्रांग सेंस ऑफ स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ना ये अभी जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसके इस रीडिंग को देखने के एक दो वीक या एक दो मंथ तक ही रहेगा। उसके बाद की अगर एनर्जी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूँ, इस स्ट्रगल के बाद की आप लोगों की एनर्जी है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्टेबिलिटी, स्ट्रांग सेंस ऑफ पावर, विजडम,
इनलाइटमेंट एंड फर्टिलिटी, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर सब कुछ करने की पावर है और वो बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रांग देख सकता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस ऑफ पावर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अब अगर मैं आगे आप लोगों को बात बताऊँ तो अपने पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यही कार्ड है, और भी तो थे, यही कार्ड है। अच्छा ठीक है, यही कार्ड है, मुझे तो लगा मैंने और निकाले हैं आप लोगों के लिए। अरे मुझे तो बड़ा अचंभा महसूस हो रहा है, मैंने इतने कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, और निकालने पड़ेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, इतने निकाले हैं तो भी। तो हाँ मैं क्या बता रही थी, देखो दिमाग से चला गया ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू पावर, न्यू ग्रोथ। और कार्ड निकालूंगी, देखो मैंने कहा था ना स्ट्रगल आ रहा है, मनी के कार्ड्स बहुत ज्यादा है। आगे आने वाला टाइम किसी के जाने का हो सकता है, पाइल नंबर टू पीपल, कोई जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा था काफ़ी टाइम से, जिसने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और परेशानियाँ ही फैला रखी थी, एंड इस इंसान के जाते के साथ ही, हो सकता है आप इस इंसान को भेज दो, तो इस इंसान के जाते के साथ ही आपकी लाइफ के अंदर एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी और एक स्ट्रांग माइंड सेट आएगा। अब बहुत सारी अच्छी चीज़ों को देख पाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि मनी के अंदर स्ट्रगल आ रहा है तो क्या है, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, पावर एंड विजडम आ रही है, पैसा भरपूर आएगा आपके पास। और फूल का कार्ड है स्ट्रांग स्टेबिलिटी, ट्रस्ट की एनर्जी आएगी और एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है करियर की तरफ से। एक भी लव का कार्ड नहीं है यहाँ पे, यानी कि डिवाइन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए बोलना चाह रही है कि आपको अभी अपने मनी की पावर को किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, अच्छी एनर्जी में रहना है, क्योंकि पावर की अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड है, कहीं से भी कैसे भी कर करा करके आपके पास मनी की पावर आने वाली है, उस पावर को समझ के सही जगह इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। अगर उस चीज़ को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, डिवाइन भी यही चीज़ चाहती है। एंड एक चीज़ और जो आप लोगों के लिए, वो है सीइंग बियॉन्ड, जो भी अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है ना उससे ज़्यादा देखने की कोशिश करें, ठीक है। सीइंग बियॉन्ड का कार्ड है, उससे ज़्यादा को देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा देखने की कोशिश में जाएंगे ना, तो आप महसूस कर पाएंगे कि कितना कुछ अच्छा आपके ऑलरेडी ज़िंदगी में है। तो आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ के अंदर मैं क्या क्या देख रही हूँ, आपके ड्रीम का फुलफिलमेंट, एक स्ट्रांग एक्सपीरियंस को सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव पेशेंस के साथ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली जिस सपने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पूरा होगा। आप एक स्ट्रांग स्टेबल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाएंगे और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाने वाले हैं। लग्जरी देख रही हूँ मैं, एडवांसमेंट मैं देख रही हूँ, पावर देख रही हूँ, पोजीशन देख रही हूँ, लोगों की हेल्प करता हुआ आपको मैं देख रही हूँ। बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे आई नहीं आप लोगों के लिए, हो सकता है डिवाइन अभी चाहती नहीं कि आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, और वो था आपका लव लाइफ, ठीक है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती हैं। थोड़ा सा फेथ रखें, ठीक है, फेथ रखें, छोटी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दें, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्टेड है। अगर आपका कोई रिश्ता ऐसा था जो टूट गया, या कोई ऐसा कनेक्शन था जो बिखर गया, और आपको ऐसा लगता है कि आपने वहाँ पर टाइम वेस्ट किया है, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसको बहुत स्ट्रांगली एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, और एक चीज़ याद रखिएगा, धीरे धीरे चल के ही आप अपनी मंजिल को पाएंगे। पाइल नंबर टू पीपल, आप में से सभी लोग, जितने भी जिनका भी भाग्यांक 2, 4, 6, 7, 8 है, एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए है। आप एक ऐसे इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ ऐवें ही चल रहा है, नहीं, आप एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस धरती पर मौजूद हैं, और आपको उसको चीज़ को समझना है, करना है क्रिएट, और यहाँ से निकलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी वार्निंग साइंस जो डिवाइन आपको देना चाहती हूँ।
आप लोगों के लिए वार्निंग साइंस है एकदम, अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ एक चीज़ मुझे इस कार्ड को देख के फील हुई थी और वो है कि बहुत तुरंत से डिसीजन मत ले लेना किसी भी चीज़ का, बहुत ही फास्ट फास्ट एनर्जी में भाग के किसी भी तरीके का डिसीजन ना ले लें, थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी ऐसा सच में कुछ भी नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ भी नेगेटिव मैं नहीं देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, नो नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके एंड यहाँ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेज हैं देखें तो, आप लोगों के लिए एडवाइजेज है गार्डियन एंजल्स, कट द कॉर्ड्स एंड द कंपोजर। थोड़ा ना ग्राउंडिंग करना शुरू कीजिए, जमीन के साथ थोड़े रिश्ते बनाने की कोशिश करिए। कैसे? थोड़ा सा आप मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, या फिर ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए, या कभी कभार ज़मीन पर लेट जाया कीजिए बिना कुछ बिछाए, ठीक है। ग्राउंडिंग ज़रूर करें और उन लोगों से अपने रिश्तों को और उन लोगों से अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें जो यूज़लेस लोग नहीं होते हैं, जिनका हमारे लाइफ में कोई स्ट्रांग मकसद नहीं होता, बस वो बैठ करके फालतू की बकवास कर रहे होते हैं, उन लोगों से दूरी बनाइए। बाकी भगवान आपके साथ हैं, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ की स्टोरी में एक ट्विस्ट है और वो है स्ट्रांग स्टेबिलिटी का ट्विस्ट। तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर इसी अच्छी शुरुआत के साथ। आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस। आपको बोला जा रहा है अपने कंफर्ट से बाहर आने की एनर्जी में आइए, ठीक है, अपने कंफर्ट से बाहर आइए। ऐसा ना हो कि आप अपने कंफर्ट की वजह से किसी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी को खो दें, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। सही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, वहीं से जा करके चेक इन कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खुद से प्यार कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।